सो सॉरी, मैं वाकई में बहुत गिल्टी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। वहां मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम्हें अचानक क्या हो जाता है। ऐसे वक्त जाया करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ईमान को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पहले मॉम की बात मानकर फखर भाई की नाराजगी दूर करनी होगी। और उस बात का सिर्फ एक ही हल है कि उस ईमान को मनाना होगा। अंदर आ सकती हूँ? आओ ना। I'm so sorry. मैं वाकई में बहुत गिल्टी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। वहां मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि तुम्हें अचानक क्या हो जाता है। हम लोग तो पिछले कई सालों से कितने अच्छे दोस्त हैं। मेरा ये ख्याल था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है। हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी स्टक हूं कि सब कुछ गलत हो रहा है। और यकीनन इस प्रॉब्लम की वजह वो लड़का है ना? आप क्यों कर रही हो ऐसे? जब वो कुछ नहीं कर सकता तो तुम क्यों उसके लिए खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो? इतना आसान नहीं है ये ईमान। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अपने दिमाग की छोड़ के अपनी दिल की सुनी है। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता कि मुझे कैसा फील हो रहा है। तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। इनफैक्ट कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रही हूँ। वहां एक बात बताओ, वो है कौन? मेरा मतलब है कि अब मैं जानती हूँ उसे। तुम्हें मैं ऑलरेडी एक मरतबा पहले बता के पछता रही हूँ। तुम्हारी वजह से मॉम मुझे सेम चीज पे बार बार क्वेश्चन करती रहती है। उन्हें मैं कैसे बताऊं कि चीज मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुम खुद बताओ कि इन सब चीजों में मेरा रिएक्शन नहीं बनेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ऊपर से फखर भाई भी मुझसे नाराज है। जानती हूँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन फखर भाई की नाराजगी बिल्कुल नहीं। भाई कभी तुम्हें गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारी आंखों में आंसू तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। I'm sorry too. मुझे बात को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। Anyway, तुम दोनों बातें कंटिन्यू रखो। मैं सेल फोन भूल गया था, वो लेने आया। Okay, bye. अब खुश हो? बहुत। Assalamualaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.